स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती सरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आस इंद्रधनु
सुनो कथा करूंगा। सियार रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभ। श्री रामानंद अस्मदाचार्य पर वंदे श्री गुरु परम परा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम आरुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीराम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम चंद्रम शरणम प्रपद्ये। कर्पूर Thank you.
जो सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु नाम्यम जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही वेद बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट वो सत सियराममय सब जग जानी करम प्रणाम जो रज रामचंद्र भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछमु सुर हरिदास
विचारी
सर्वोत्तम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतावृंद, भाई बहन, हमारे पत्रकार बंधु भगनी, वैसे तो आज सत्र दूसरा है और ऐसे आज कथा का प्रारंभ है। कल हमने अपने भूमिका का स्मरण किया और आज भूमि के भार को उतारने वाले भगवान के अवतार की कथा का स्मरण करेंगे। नव दिन में नव प्रश्न है। कल की कथा में हमने आपने गाया राम कथा है क्या। आज का प्रश्न है कथा है तो है त्रेता में भाई, तो इस कलिकाल में कथा हम सुने क्यों, अर्थात प्रश्न आया हमारा जीवन और राम कथा। इस प्रश्न के सानिध्य में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की पावन लेखनी श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में आज हम आप कथा का स्मरण करेंगे। मां के प्रश्न बड़े अनमोल हैं। जो जहां रहता है, जहां जीता है, वही सोचता है, वही कहता है, वही लिखता है। हमारे आपके जीवन में सारी समस्याएं और सारी समस्याओं से निजात पाने का उपाय क्या है? मन। हमारी सारी समस्याओं की जननी का नाम है मन। हमारी सारी समस्याओं के जनक का नाम है मन। हम मन से जो चाहे सो मान लेते हैं, दुखी हो लेते हैं। मन से जो चाहे मानकर सुखी हो लेते हैं। विचार करिएगा, मन को किसी ने देखा नहीं है। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां ये दृष्टिगोचर होती हैं, दिखती हैं। मन दिखता नहीं है, लेकिन सारी समस्याओं की जननी और सारी समस्याओं का जनक मन है। मन दुखी न हो, सुखी न हो, ये संभव नहीं है। परिस्थितियों का तो प्रभाव सब पर पड़ता है। कामदेव ने बाबा के हृदय में पांच बाण उतारे, जैसे भजन में विक्षेप आया भगवान शिव ने तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हो गया। बिनयन मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होहिन। भगवान को भी आया, जहि सायक मारा मैं बाली, तेहिसर हत्यों मूढ़ कह काले। अनेक अनेक अर्थ महापुरुष लोग करते हैं। वस्तुतः
मन को ही परमात्मा की ओर अथवा तो उसकी स्थिति में अवस्थित करने का उपक्रम है ये रामकथा। मन यदि अंतस्थ हो गया तो कथा न गाई जा सकती है न सुनी जा सकती है। आप ध्यान में बैठ जाएं और मैं आऊं तो मैं भी ध्यान में बैठ जाऊं तो कथा होगी। तो आप कहेंगे महाराज घर ही में ध्यानवान करके आते, यहां तो हम लोग कहां कहां से आए हैं आपको सुनने के लिए, है? दबाव बहुत है। कथा सुनाइए महाराज। माँ भवानी जी के प्रश्नों को सुनकर शिव बाबा ध्यान में चले गए नारायण। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित भर मैंने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से पूछा कि जब शिवजी मन से ध्यान में अवस्थित हुए तो मन को बाहर करने का क्या अर्थ सरकार? गुरुजी बोले बेटा मन को बिना बहिर किए हुए बाह्य जगत में लगाए हुए कथा नहीं गाई जा सकती है। मन अंदर चला जाएगा तो हम ध्यान रस में मगन हो जाएंगे सुतक्षण जी महाराज की तरह। जो सतयुग का धर्म है बाहर निकलेंगे तब भगवान की कथा बोलेंगे तभी कथा सुनेंगे। कोई काम आप बच्चे को कहते हैं तो कहते हैं ना मन लगा के करना, मन लगा के पढ़ना। आज बहुज मन से खाया, आज बहुत मन लगा पूजा में। अरे भाई मन देखा है आपने? मिला नहीं, लेकिन मनी राम सब कार्य में आगे आगे रहते हैं। उपाय है कोई? इनको साधने का उपाय क्या? क्योंकि जो मनी राम हैं ये मनी राम भगवान में नहीं लगना चाहते, ये बाहरे रहते। लगेंगे कैसे? जब खींच कर लगाएंगे, घसीट कर लगाएंगे, अथवा हमारे जीवन के व्यवहार में भगवान का भजन आ जाए तो मन बाह्य जगत में जाएगा ही नहीं, व्यवहार में आए। कथा सुनने में जबरदस्ती न करना पड़े, बरियाई न करना पड़े, आरती में बुलाने के लिए बरियाई न करना पड़े, आरती में खड़ा होने के लिए कहना न पड़े। मन को पापों का गट्ठर पकड़े रहता है, गंगा नहाने से रोकेगा, भजन करने से रोकेगा, माला फेरने से रोकेगा, पाठ करने से रोकेगा, जाप करने से रोकेगा, दर्शन करने से रोकेगा। किसको? मन को। मन को पाप रोकते हैं भजन करने से, लेकिन संसार में यदि जाना चाहे तो वो पाप इसको कहते हैं चल चल मैं आ रहा हूं, वहां रहेंगे। जीवन का हर एक व्यवहार, हर एक विहार, उठते बैठते, मिलते मिलाते, आते जाते, जब हमारा भजन प्रधान रहेगा तो आप निश्चित मानिए ये भटकेगा नहीं, ये बिगड़ेगा नहीं,
रमा रहेगा। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बने देवी, जिस भगवान को जाने बिना झूठा जगत भी सत्य जान पड़ता है। ये झूठा क्यों है भाई? क्योंकि जो दिख भले रहा है नहीं, इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं साहब, दिख रहा कितना अच्छा है, सब कुछ है। सोचिएगा, विचारिएगा, इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। परिवार का अस्तित्व जगत के अस्तित्व से अधिक झूठा है। हमारा उससे भी अधिक हमारा अस्तित्व झूठा है। सत्य क्या है? राम कृष्ण केवल और केवल परमात्मा सत्य है और सब झूठ। शिव बाबा कहते जे ही जाने जग जाई गहराई जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रभु को अर्थात जिस सत्य को जान लेने पर यह जगत समाप्त हो जाता है। आपसे कह दिया जाए कि 5 बजे कोई स्टेशन पर आने वाला है, उसको लेने जाना है, आप में से कोई जाएगा? चाहे जीजा ही क्यों ना आ रहे हो, आदमी कह देगा बताइएगा मत, टैक्सी कर लीजिएगा, पैसा हम भरेंगे, बलरामपुर गांडन आइएगा, 8 बजे हम घर लेके आपको चलेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको भगवान की कथा में अर्थात भगवान में प्रेम हो गया, वो जगत के संबंध का स्मरण नहीं रखेगा, और जिसको जगत के संबंध का स्मरण रहेगा उसको भगवान में प्रेम नहीं बनेगा। ये स्थिति है जीव की। यदि हमारा प्रेम परमात्मा में है तो हम जगत के व्यवहार को दुरा देंगे। बट कई लोग ये समाप्त हो गया। कई लोग एक गला पकड़ रहा है, चलो आगे बढ़ो, इनको दो करो, देखो हमारा आपका प्रेम प्रभु में है तो जगत गायब, और प्रेम जगत में है तो परमात्मा गायब। घर वाले क्या कहेंगे, बगल वाले क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, बेटा बेटी क्या कहेंगे, अरे ये कोई कुछ नहीं कहेगा जी। आप स्वयं सबसे कहेंगे कोई हमारा नहीं है। कब? जब सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्दी से चेत जाइए, कोई अपना नहीं है, केवल परमात्मा अपने हैं। पुराना गीत है, उसकी 2 पंक्तियां सुना रहा हूं, केवल 2 पंक्ति। भजले प्राणी धीरे अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी बिता क्यों भटक रहा है, बिता क्यों भटक रहा है। खजाना
कथा का काम है जगाना, कथा का काम भगाना नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है सतयुग में जीव कथा में रहता था, कथा जो लिखी है जी वैसे ही रहता था। सब नर करें ही परस्पर प्रीति जब त्रेता की स्थिति है, सतयुग में कैसा रहा होगा? त्रेता में कथा घर घर गाई जाती थी, द्वापर में गांव गांव चौपाल पर लोग कथा गाते सुनते सुनाते मिलते थे। कलयुग में कथा हो रही है, कहीं कहीं सुनाई पड़ता है, कथा हो रही है ऐसा लिखा है। कथा का काम क्या? हमको जगा दे, हमारा संशय भगा दे, अज्ञान मिटा दे, यह कथा का कार्य है। हम गा रहे हैं हमारा मिटे, आप सुन रहे हैं आपका मिटे। मिटे क्या? संसार से अन्यथा जो हमारा महामोह है, मैं नहीं तो क्या होगा, फिर वही कहूं 13वें दिन 16वें दिन 12वें दिन पूरी दही चांपी जाएगी, कुछ नहीं होना, इसको कल जाना है वहां जाए क्या होना, कुछ नहीं होना। भंडारा जब होता है तो कोई ये नहीं पूछता है क्यों मरे, लोग पूछते हैं कहाँ है, ले चलो हमको भी बिठा दो, थोड़ा और एक पत्ता तस्मई लाओ। कोई नहीं पूछता क्यों मरे, कैसे थे। जिसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए उसकी चिंता हम करते, क्या होगा? अरे जब इसमें से तोता उड़ जाएगा तो जो होगा सो होगा, कुछ नहीं होता। भगवान शिव ध्यान में निकले बाहर वंदना की, एक प्रातस्मणी पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज ने इस भाव पर एक कवित्व दिया है, सुनिए। पारथ गए महाभारत जीत के, पारथ गए महाभारत जीतिक गए हनुमान जलाय कलंका, नकुल गए सहदेव गए दुर्योधन गए जो रहत सशंका, गए अभिमन्यु महाबलशाली मेटि सके को विधि के अंका, गए अभिमन्यु महाबलशाली मेटि सके को विधि के अंग, भिक्षु भिखारी व भूप गए तजिराज समाज बजाइक डंका, तजिराज समाज बजाइक। जितनी दुनिया की परिवार की बच्चों की बीबी की पति की पड़ोसी की चिंता में हम दुखी रहते हैं, उससे अधिक भगवान के चिंतन में दुखी रहो, पार हो जाएगा। ये चिंतन भी अमृत जैसा है जी। मेरे बाबा ने मंगलाचरण किया बंदन मोबाल सब सिद्ध सोलभ, पुत्र जी सुनामो मंगल भवा मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
इष्टदेव परमात्मा श्री राम के बाल स्वरूप का वंदन करते हैं भगवान बहुत भावन शिव जी और कहते हैं हे देवी आप धन्य हैं धन्य हैं धन्य हैं। तो धन्य है कौन धन्य है? अरे भाई जो कथा कह रहे की रचना बना दे वो धन्य है। हमारे पूरे देश के श्रोता लोग कहते हैं महाराज आप सब पर अन्याय करते हैं, लखनऊ से बहुत प्रेम करते हैं। अभी आपने मार्च में कथा कही, फिर जुलाई में कथा कर रहे हैं, आप फिर करेंगे क्या? अब तो नहीं करेंगे साहब। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे एक मित्र कह रहे थे कि महाराज आप दो दो बार कथा करते हैं। भाई ये तो प्रधान जी हमारे विचित्र हैं। अरे वीरेंद्र भैया ये तो बाबा की जयंती पर कथा ओढ़नी ओढ़नी है। अभी हमारे मित्र ओपी भैया बोले हमको भी करानी है। हमने इनसे कहा ओपी भैया से कि भैया आप अगली बार ना कराना। अब बोले आपने तो संकल्प दिया है। अब हमको ऐसा लगता है कि हमको भी ले दे के कथा करना चाहिए था, तो कम से कम दबाव में तो ना रहते। लेकिन ये ममता इसी विचित्र साहब, आपका छुड़ा रहा हूं अपने निकल नहीं पा रहा हूं, उसी का परिणाम है ये दोनों कथाएं। खैर मैं भी धन्य हूं आप भी धन्य हैं, दबाव तो रहता है। परंतु जो कलयुग में कथा करने की, कथा सुनने की रचना बना दे वो जीव धन्य है। जो बना दे धन्य है। और काम करा लो, कई बार ब्याह शादी में जब हमको बुला, अब तो हम जाते ही नहीं बंद कर दिया, बुला ले जाते थे तो वो ब्याह शादी में हमारे जाते ही रंग में भंग पड़ जाता था। काहे वहाँ सब थिरक रहे हैं, वल्ला 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 वल्ला, मेरा वहाँ क्या काम।